हेलो गाइस, वेलकम टू रैप्टर गेमिंग। तो आज मैं आप लोगों को EMT स्कैमर के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने हमारे साथ स्कैम किया है। क्या स्कैम किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो एक बार चैट देख लेते हैं। एक्चुअली आज ऐसा हुआ था कि हमने 5 एंड 6 का स्लॉट्स बुक किया था, तो उन्होंने कहा था कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैच नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है सर ऑफ है, हॉस्पिटल आया हो, इमरजेंसी है, सॉरी सर। तो हमें हमें लगा ही इन्होंने कि हमें ये गलत बोल रहा है, क्योंकि इसके पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं। तो हमने हमारे बंदों से कहा कि जाकर पूछो कि स्लॉट्स है या नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारे बंदे ने कहा भाई मेरे स्लॉट में कोई और बैठा है, किक करो। तो किसको, तुम्हारा स्लॉट नंबर कौन सा है भाई? अगर मैच होता ही नहीं तो ये पूछते ही नहीं। और एक स्क्रीनशॉट है, वेट, जिसमें हाँ यहाँ पर देखो स्लॉट्स है क्या, 5 6 5 6 है, नहीं है अभी फुल स्टार्ट। मींस यहाँ पर 5 6 का मैच था जो कि स्टार्ट हो चुका है, इन्होंने हमें स्लॉट्स नहीं दिया क्योंकि क्योंकि हमने इनके कस्टम्स काफ़ी विन किए हुए और इनको हमें पे करना पड़ता है, इस वजह से हमको स्लॉट्स नहीं देते। और स्लॉट्स नहीं देने का एक और रीज़न, ये लोग देखो क्या बोल रहे हैं, हैकर लोग, मीन्स ये लोग हमको हैकर बोल रहे हैं। और जब भी इन्होंने POV मांगा है, हमने प्रोवाइड किया है। देख लो POV चाहिए EXL फ्यूरी, POV मीरामार फुल गेम। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं प्रोवाइड किया था, ना डेथ कैम ना कुछ, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया था, फिर भी हमें POV मांगा था, फिर भी हमने इनको प्रोवाइड किया था POV, पूरे गेम का शॉर्ट में POV प्रोवाइड किया था इनको। तो फिर भी ये लोग हमको स्लॉट्स नहीं दे रहे, प्लस पहले का पेमेंट जो भी बचा हुआ था वो भी अब देने से मना कर रहे हैं कि पेमेंट नहीं मिलेगा, तुम लोग हैकर है करके। और रही बात दूसरे स्कैम की, तो दूसरा स्कैम ये देख लो जो कि पॉइंट्स पॉइंट्स टेबल में कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों को बता देता हूँ मैं गाइस, कोई भी बिना देखे कोई भी पेड स्क्रीम्स मत करना। हमने भी किसी के थ्रू से ये किया था, बट ये स्कैमर निकले। देखो यहाँ पर पॉइंट देखो आप लोग, तो 2 मैच के पॉइंट पॉइंट है ये, तो 37 35 34 और 32 32 हमारे स्क्वाड्स का है। तो इन्होंने जानबूझकर ऊपर की 3 स्क्वाड जो कि इन्हीं की है, दूसरों की स्क्वाड नहीं है, इन्होंने पॉइंट ऐड किए हुए, जबकि हमने इनसे रिजल्ट मांगा तो इन्होंने देने से मना कर दिया, बोले हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे इन्होंने फेक ऐड किया हुआ है, फेक रिजल्ट बनाया है। मींस इनके कस्टम में कोई भी खेले तो सारा प्राइस पूल इन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिल पाएगा। तो कोई खेल के मतलब नहीं है ये कस्टम रूम्स, और जो पेमेंट बचे हुए हैं ये भी नहीं दे रहे ये लोग। तो स्कैम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका होगा। तो अभी जो भी देख रहा है, हम इनका इंस्टा अकाउंट भी बता देते हैं, वेट करो, ये रहा इनका इंस्टा अकाउंट। देखो EMT ई स्पोर्ट्स, कोई आज तक देखा है आप लोगों ने कि किसी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट अकाउंट हो? कुछ तो गड़बड़ होगी ना जब ये प्राइवेट अकाउंट रखा हुआ है। और इनका व्हाट्सएप नंबर भी दिखा देते हैं हम, व्हाट्सएप नंबर भी देख लो गाइस। ये EMT स्कैमर नाम से सेव किया हुआ है, 8806958294 गाइस, देख लो ये नंबर, सेव कर लो। और इनसे कभी भी कस्टम रजिस्टर मत करवाना, जो भी पेड कस्टम्स करवाते हैं, जो भी पेड कस्टम रूम खेलते हो, इनसे बचकर, स्कैमर लोगों से। तो गाइस जो भी देख रहे हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये और किसी के साथ स्कैम ना कर पाए। इसके बाद यहीं पे इनका ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो जाए और सभी को मतलब पता चल जाए कि ये इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। मीन्स दिन में ये लोग इतने कस्टम्स करवाते, सभी में ऐसे ही स्कैम करते। तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी BGMI के कस्टम रूम्स खेलते पेड, तो ताकि वो लोग भी इस स्कैम से बच पाए। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू।